राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों आज केस अपडेट देते हैं, अंकित गुर्जर का जो तिहाड़ जेल में मर्डर हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं। क्या उस केस में चल रहा है, क्या दो तीन चीज़ें आई हैं। जैसे पहली चीज़ आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं, और उसके जो साथी गैंगस्टर हैं उन्होंने दोस्त का बदला लेने के लिए पुलिस वालों तक को निशाने पर ले लिया और AK-47 का वो लोग इंतजाम कर रहे थे, बट उससे पहले स्पेशल सेल ने उनको इनके इस प्लान को ब्रेक करके उन लोगों को गिरफ्तार किया है। सारी डिटेल इस वीडियो में बताते हैं, साथ ही इस केस में क्या चल रहा है कार्रवाई वो भी आपको बताते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारा प्रोत्साहन होता रहे, अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि दिस वीडियो वॉज स्पॉन्सर्ड बाय bigwinner.com। एक नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जैसे ही आप लोग खोलोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और इस ये एक तरह से गेम है, बड़ी सिंपल गेम है, इससे आप पैसे कमा सकते हो। साथ साथ अगर बिना खेले भी कमाना चाहते हो तो आप रेफर करके पैसे अर्न कर सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी गेम्स हैं जैसे कि व्हील फॉर्चून और टाइगर एलिफेंट, बहुत सिंपल गेम्स हैं और बहुत ईजिली आप रेफर करके और खेल कर पैसा कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंकित गुर्जर का जो हत्याकांड हुई है, जो मर्डर हुआ है जेल में, हमने पहले दिन वीडियो बना के आपको बताया था कि ये कोई साधारण ये हत्या नहीं है, ये एक पुलिस वालों के द्वारा किया गया प्लान मर्डर है। क्योंकि जितनी भी परिस्थिति थी, जो भी लोग वहाँ से वीडियोज़ बना रहे थे, ऑडियो दे रहे थे, उसके साथ ही उसकी फैमिली शुरू से ही आरोप लगा रही थी कि पुलिस वालों ने पैसे की मांग को लेकर और हमारे लड़के को मारा है, अंकित गुर्जर को मारा है। इसके बाद तो आप सबको पता है कैसे पुलिस वालों के नाम आए और फिर पुलिस वालों के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है। इसी केस में एक दोस्त है अंकित गुर्जर का, जिसका नाम सत्य और सत्य बताया जा रहा है, सतेंद्र रियल नेम है, दिल्ली का नामी गैंगस्टर है और 20 से ज़्यादा मुकदमे उसके ऊपर हैं। उसकी एक ऑडियो वायरल हुई थी, वो ऑडियो आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पर भेज सकता हूँ, वो रियल है या नहीं इसकी ऑथेंटिकेशन तो नहीं कर सकते, बट आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे DM करके वो ऑडियो मेरे से ले सकते हो। उस ऑडियो में सत्य ने पलवल का एक गैंगस्टर, फरीदाबाद के पास ही पलवल पड़ता है, अजय गुर्जर जो कि पलवल के नाम से बहुत फेमस गैंगस्टर है, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे मुकदमे, उससे मांग करी एक AK-47 की, जिससे सत्य अपने दोस्त अंकित गुर्जर का बदला लेना चाहता था और जो नरेंद्र मीना जो इंस्पेक्टर है वह उसके साथ जितने भी पुलिस वाले हैं उनको मारना चाहता था, जिससे वो अपनी दोस्ती का प्रमाण देना चाहता था, साथ साथ दिल्ली में अपनी धाक साबित करना चाहता था। अब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग तकरीबन 10-15 दिन पहले वायरल हुई थी, पुलिस के हाथ वो चीज़ लगी तो स्पेशल सेल इन लोगों की तलाश में लग गई, पहचान करने में लग गई, जिसमें इनको 10 दिन लग गए और एट द एंड सत्य जो कि सतेंद्र है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और जितना भी ये सारा प्लान था AK-47 का, क्योंकि अजय गुर्जर पहले ही अरेस्ट है पलवल वाला, और ये बहुत ही बड़ा एक कुछ करने की सोच रहे थे, अंकित गुर्जर के हत्याकांड का बदला लेना ये पुलिस से चाहते, तो आप सोच सकते हो किस लेवल पर ये लोग सोच रहे थे। दोस्तों जो सेकंड अपडेट है वो है पोस्टमार्टम की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जैसा सबको दिख रहा था सेम टू सेम वही चीज़ उसमें हुई है। मारपीट से, मतलब ज़्यादा चोटें लगने से सर पे और बाकी शरीर में भी बहुत सारी चोटें लगी हैं, जिससे बताया जा रहा है कि अंकित गुर्जर की हत्या हुई है। पहले हमने पूरी डिटेल बताई थी कि कैसे कैसे किसका नाम लगाकर ये लोग उसे फंसाना चाहते थे, दो लड़कों को, उनके बारे में आप वीडियो देख सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो, मेरा नाम लिख के और अंकित गुर्जर लिख दोगे, दोनों वीडियोज़ आ जाएंगी, वरना एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो हम लगा देंगे। दोस्तों अब इस केस में क्या चल रहा है ये भी आपको बता देते हैं। इस टाइम जो इतने भी तकरीबन 6 या 7 पुलिस वाले हैं, मेन नरेंद्र मीना जो उनको रखा गया है, वह अन्य इनके खिलाफ FIR होगी है कोर्ट के कहने पर। पहले FIR नहीं हुई थी क्योंकि अंकित गुर्जर की फैमिली कोर्ट जा चुकी है, और अब जितना भी केस है वो शुरू से अब चलेगा, और आप ये लगा लीजिए जस्टिस ज़रूर मिलेगा अंकित गुर्जर को भी व अंकित गुर्जर के परिवार को भी। क्योंकि पुलिस अगर ऐसा करेगी, जेल में लोगों को मारेगी, तो फिर कानून का, कोर्ट का, जजेस का, इनका वो कोई सीन ही नहीं रह जाता, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये जो भी हुआ है अगर पुलिस वालों ने किया है तो ये बहुत गलत हुआ है और सज़ा मिलनी चाहिए। आगे इस केस से जुड़ी जितनी भी अपडेट होंगी वो हम अपने चैनल पर, यूट्यूब पर भी, साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी लोगों को देते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करना चाहेंगे, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, BigWinner ऐप है, BigWinner जो साइट है, इसको जाओ, इसमें गेम खेलो और एक बार चेक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दीप मलिक एडवोकेट ने सदा सबका